एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैं बहुत दिन बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। मेरे ख्याल से 1 वीक से ऊपर हो रहा है। मैं 1 वीक गायब थी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। मैंने आपको बताया ही होगा लास्ट वीडियो में, जब मैं मुंबई से पटना आई थी उस वीडियो में मैंने बोला था कि मेरा एग्ज़ाम है, सो मैं थोड़ा सा बिजी रहने वाली हूँ। तो फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे गए, 6-7 पेपर था जो मैंने अच्छे से लिखा। प्रॉब्लम बस एक आई एग्ज़ाम के बीच में, जो मेरा फर्स्ट वाला एग्ज़ाम था, फर्स्ट पेपर जो गया मेरा CC5 का, उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये था कि मैंने पूरे 5 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका रॉन्ग आंसर किया। मतलब ऐसा नहीं है, उसको बनाया है मैंने, थोड़ा बहुत गलत हुआ है एंड 5 नंबर का छूट गया। एंड बाकी जो सारे पेपर गए हैं मैंने सारे कंप्लीट किए, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। एंड देखिए, रिजल्ट आ जाएगा 1-1.5 महीने में। क्या रिजल्ट आता है वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ही। और एक और बात है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ शेयर करने के लिए। बात ये है कि जो मुंबई वाला घर है मेरा, वो उसका जो पूजा था वो भी अच्छा से पूजा हो गया। इधर से माँ, पापा जी, आंसू एक अंकल और आंसू की एक भांजी है, वो गई हुई थी एंड मैं नहीं जा पाई एग्ज़ाम्स की वजह से। एंड मैंने आपको बोला था कि घर की पूजा का वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ, तो वो वीडियो बहुत जल्द जाएगा। एंड इस वीडियो के बाद एक क्रिसमस वाला वीडियो जाएगा एंड उसके बाद आपको घर की पूजा की वीडियो देखने को मिल जाएगी। उस वीडियो को मेरी बहन ने बनाया है, थोड़ा आंसू ने बनाया है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया है एंड आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। सो फाइनली घर का पूजा भी सही रहा एंड सब कुछ ठीक ठाक से हो गया एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से अब डेली मीन्स अल्टर डे पर मिल सकती हूँ। तो आप लोगों को एडवांस में हैप्पी क्रिसमस, क्योंकि कल क्रिसमस है और कल बड़ा दिन भी है एंड कल एक और चीज़ है जो मेरे घर में मनाया जाएगा। एंड क्या कोई गेस कर सकता है कल क्या है? अगर जिसने सही गेस किया वो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दे। हाँ, और मैं अभी मार्केट निकली हूँ क्योंकि जो मेरे आईब्रोज है ना काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि इसको पहले सेट करवा लूँ। एग्ज़ाम्स के चक्कर में ना मेरी हमेशा लगती रही, आप देख रहे हो ना आगे कितनी सोच गई है। मैंने रात में जग जग के पढ़ाई की है, सो मैं को टाइम नहीं मिला इसलिए मैं पार्लर गई नहीं एंड अभी फाइनली मैं फ्री हूँ एग्ज़ाम से, तो सेट करवाती हूँ। तो चलिए हम पार्लर मिलते हैं। तो गाइस, फाइनली मैं पार्लर आ गई हूँ एंड मैं अभी आईब्रो सेट करवाती हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पहले तो मैं मास्क हटाती हूँ। मैं जैसे ही रोड पर आई मैंने मास्क लगा लिया। एक बंदा था एंड वो क्या किया ना, काफ़ी आगे तक चला गया एंड ऐसे वो मुड़ मुड़ के देखा था कि इस लड़की को देखा है, जाना पहचाना है या उसके मतलब दिल दिमाग में क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन उसने ना 2-3 राउंड मुझे देखा। एंड मास्क लगाने का यही तो फ़ायदा है कि आदमी पहचान ही नहीं पाता ये कौन है, एंड मैं उसे जानती नहीं थी। एंड मुझे ऐसा लगा ना कि वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया है, मतलब देख के उसे लग रहा हो कि जान पहचान की लड़की हो मे भी, तो रुका नहीं आगे चला गया। एंड खैर कोई नहीं, तो मैं मिलती हूँ आईब्रो सेट करवा के। ओके है, ओके। तो फाइनली आईब्रो सेट हो गया, देखो आप। एंड आपको ये रेड इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि मैंने करवाया ना, तो मेरे को दाने से आ जाते हैं थोड़े से, क्योंकि मेरा जो स्किन है ना बहुत सेंसिटिव टाइप की है। सो एंड मैं बहुत दिनों बाद करवाती हूँ एंड मतलब महीने तो ले ही लेती हूँ, है ना। एंड अभी मैं यहाँ से निकल के लेडीज़ जोन जाऊँगी क्योंकि एक फ्रेंड है मेरी, उसने बोला है चेक करने के लिए कुछ नया पैटर्न के स्लीपर्स वगैरह हैं कि नहीं। सो मैं वहीं जा रही हूँ, छोटा सा काम है, तो मिलती हूँ मैं आपको लेडीज़ जोन में। फाइनली मैं लेडीज़ जोन आई, मैंने चेक किया एंड कुछ न्यू पैटर्न आए हैं एंड मुझे बस एक पसंद आया एंड मैंने नहीं लिया इसलिए क्योंकि मुझे अगर एक चप्पल और ली ना तो मेरे को डांट पड़ने वाली घर पे। अभी माँ घर की जो पूजा थी ना मुंबई में, वहाँ से रिटर्न आई है तो मुझे एक सैंडल दिलाई है और मैंने खुद से 3 जूते लिए हैं। सो मैं कुछ नहीं लेने वाली एंड मैं उसको बोलूँगी कि न्यू पैटर्न आया है तू आके देख ले एंड उसे जो पसंद आए आके ले जाए।
एंड मैं शॉपिंग करूँगी मतलब एक दो महीने बाद, अभी नहीं। अभी क्या है ना कि मैंने इसी मंथ में 3-4 लिए हैं, तो मेरे को डांट पड़ेगी अगर मैंने एक और लिया। एंड इसके पिछले वाले मंथ में आसू ने मुझे एक दिलाया, एंड मैं आपको बहुत जल्द अपनी साली मतलब मैं आपको बहुत जल्द अपनी सारी स्लीपर्स, जूते, जूतियाँ एंड सैंडल्स दिखाने वाली हूँ जो न्यू वाले हैं मुझे इस साल मिले। तो ठीक है, चलिए घर चलते हैं। तो मैं अपनी गली में आ गई हूँ, सो मैं मास्क उतार सकती हूँ क्योंकि घर सामने ही है। एक और चीज़, अगर आप मुझे चाहते हैं मतलब यूट्यूब के अलावा और बाकी जगह भी फॉलो करना, तो आप मुझे इन सारी जगहों पे फॉलो कर सकते हैं। मैं फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे हूँ, एंड उनका नाम है ब्लॉगर पूजा। आप मुझे चाहे तो इन सारी जगहों पे जाके ब्लॉगर पूजा सर्च करके आप मुझे ढूंढ सकते हैं एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ओके। एंड मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करें, एंड जो प्यार है आपका हमारे साथ बनाए रहें। तो थैंक यू, बाय बाय।